जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। हिंद अस्पताल में मनाया गया राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के निदेशक, डॉक्टर्स को दी बधाई। किस लिए मनाया जाता है भारतीय डॉक्टर्स डे, इसकी भी दी जानकारी। आप के अपने शहर सिधौली में खुल गया है करार फूड कोर्ट। यहां आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है करार फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हिंद हॉस्पिटल में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में निदेशक शिक्षा एवं स्वास्थ्य व परिवार नियोजन डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी सीतापुर डॉक्टर हरपाल सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गीत तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में अतिथियों को अंग वस्त्र व स्मृत चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा उपहार स्वरूप सभी अतिथियों को एक एक पौधा भेंट किया गया। बताते चलें कि सीतापुर जनपद के अटरिया थाना क्षेत्र स्थित हिंद हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंस के परिसर में राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हिंद अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में पहुंचे हिंद अस्पताल के संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ए के सचान व डायरेक्टर राजेश कुमार राय ने अतिथियों को उनका स्वागत व सम्मान किया। हिंद अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीतापुर जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह व निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के निदेशक डॉक्टर अग्रवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर्स डे हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राय एक अच्छे फिजिशियन के साथ साथ एक परिपक्व राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 14 सालों तक कार्य किया है। डॉक्टरों के सम्मान का दिन है जो हम लोग डॉक्टर राय साहब के उनके जन्मदिन है और उनका ध्यान भी हुआ था और ये भारत सरकार ने डॉक्टरों को सम्मानित करने का एक दिन चुना है और हम लोग आज हमको यहाँ सम्मानित किया गया, ये इसके लिए बहुत बहुत सर। आप यहाँ पे आए हिंद हॉस्पिटल में आए, डॉक्टरों को संबोधित भी किया, क्या बताया? मैंने तो सेवा परमो धर्मा जो हमारे जो अपने सनातन धर्म की सारी बातें हैं, सर्वे पंथ सुखना सर्वे संत निरामया या तुम्हें काम राज्य या न तो स्वर्ग की कमना है ना भोग, हमको तो केवल जो प्राणी नाम जो है उसके दुख के करने के लिए ही हम लोग यहाँ डॉक्टर्स बने हुए हैं और इसी तरीके से अगर हम सपने काम करते रहेंगे तो हम भारत राष्ट्र को एक परम वैभव तक पहुंचाने में सफल होंगे। सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने उपस्थित डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को सर्वप्रथम डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, इसलिए डॉक्टर्स का भी फर्ज बनता है कि सभी सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, बाकी चीजें तो अपने आप स्वतः मिलती चली जाएंगी। इसी क्रम में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ए के सचान
दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर नरसिंह वर्मा, डीन डॉक्टर अभिषेक पाठक व संस्था के डायरेक्टर राजेश कुमार राय ने भी अपने अपने विचार रखे तथा सभी को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएमएस डॉक्टर रवि सिन्हा, नवीन चंद्र सहित कॉलेज के समस्त स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ व डॉक्टर तारिक आदि लोग मौजूद रहे। सिदौली से गुरप्रीत सिंह, हिमांशु शुक्ला व रामू शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।